राजनीति में आई टीवी की अनुपमा दिल्ली पहुंचकर भाजपा में शामिल हुई। टीवी शो अनुपमा के जरिए घर घर में मशहूर अदाकारा रूपाली गांगुली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। रूपाली गांगुली ने कहा कि हर भारतीय को मोदी सेना में शामिल होना चाहिए। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने विकास के प्रति प्रतिबद्धता के तहत भाजपा में शामिल हो गई हैं। अपनी नई राजनीतिक यात्रा के लिए आशीर्वाद और समर्थन के लिए लोगों से मांग की। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने बुधवार को लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गईं। पार्टी के नेता विनोद तावड़े और अनिल बालूनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काम की प्रशंसा करते हुए रूपाली गांगुली ने यह भी कहा कि जो व्यक्तित्व हर किसी को भाजपा की ओर आकर्षित करता है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनका काम करने का तरीका, व्यक्तित्व और उन्होंने हमारे देश को विकास की ओर ले गए हैं। हर भारतीय मोदी सेना में शामिल होना चाहता है और देश को योगदान देना चाहते हैं और मुझे भी यही लगा, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री ने ज्योतिषी अमेय जोशी के साथ दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस साल मार्च में सारा भाई बने सारा भाई कार्यक्रम अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुलकर बताया, पिछला सप्ताह शब्दों से परे कारणों से विशेष था और 8 मार्च 2024 मेरे जीवन के सबसे यादगार और प्यारे दिनों में से एक जाएगा। ये एक दिन जो मैं अपने दिमाग में नहीं बंद करूंगी और जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा। रूपाली गांगुली ने कहा, यह वह दिन था जब मेरा सपना सच हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का। ऐसे और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें viralplanetnews.com।